जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और नयन आईएएस पर दोस्तों हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे थे पिछली क्लास में। वो था दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। तो इसकी पृष्ठभूमि हमने पिछली क्लास में देखी थी, किस तरह जो है ये आंदोलन शुरू हुआ, इसका तात्कालिक कारण क्या था ये हमने देखा। और इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता जो है अपने चरम सीमा पर पहुंच गई और किस तरह गांधी जी की रणनीति सफल हुई ये हमने देखा। किसने इसमें भाग लिया गांधी जी के सहयोगियों के रूप में, किसने इसका बहिष्कार किया और इस आंदोलन का क्या क्या रचनात्मक प्रभाव पड़ा भारतीय जनता पर, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो कुछ और बातों के साथ इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और इसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन जो था नॉन को ऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था असहयोग आंदोलन। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें दोस्तों कि हमने देखा कि किस तरह जो है कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी गई गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी जब भारत आए थे 1915 में, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है चल रहा था और उनके जो है प्रयासों की वजह से, जो कि ब्रिटिश सरकार का उन्होंने समर्थन किया युद्ध में, उस प्रयासों के तहत जो है उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी ब्रिटिश सरकार ने। तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार की इस उपाधि को उन्होंने जो है इस आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन में क्या किया, वापस कर दिया। अब इसमें कौन कौन लोग थे जो मतलब और अपनी उपाधि वापस करने वाले लोगों में से, अब जैसे कैसर ए हिंद की बात करें, कैसर ए हिंद, तो ये उपाधि मिली थी दोस्तों महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी को 1915 में, 1920 में इन्होंने वापस कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे, इन्हीं के सहयोगी थे दोस्तों जमुना लाल बजाज, तो उनकी उपाधि क्या थी, राय बहादुर की उपाधि किसकी थी, जमुना लाल बजाज, इन्होंने इस आंदोलन में इसे भी वापस कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब दोस्तों देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने, इनका क्या योगदान था, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, आंदोलन को समर्थन दिया था दोस्तों। ठीक है, आंदोलन को समर्थन दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की। तो असहयोग आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, उससे क्या जो है बदलाव आए, ये देखने के लिए तिलक जी जिंदा नहीं रहे। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है दोस्तों असहयोग आंदोलन के वापस लेने की, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इसकी आलोचना भी हुई, इसकी वजह से उनकी आलोचना भी हुई। तो वो घटना क्या थी, ठीक है, आइए देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा गांधी जी ने किया भी तो क्यों किया, ये हम देखेंगे। ये
आंदोलन की पृष्ठभूमि में दोस्तों क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 प्रांत है संयुक्त प्रांत गोरखपुर जिला और स्थान क्या है, चौरा चौरी। 4 फरवरी 1922 से तिथि है, याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत जो कि आज उत्तर प्रदेश है, और जिला क्या है, गोरखपुर है। इसमें एक स्थान है दोस्तों चौरा चौरी, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, चौरा चौरी में किसानों के एक जुलूस पर जो है अंग्रेज पुलिस वाले गोली चलाते हैं। किसानों का एक जुलूस होता है इसी आंदोलन से संबंधित, असहयोग आंदोलन में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा होता है किसानों का समूह, और उस पे जो है अंग्रेज सिपाही गोली चला देते हैं। अब गोली चला देते हैं जिससे किसान जो है कुछ घायल हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, ठीक है। और इससे क्रुद्ध होके, इससे गुस्सा होके फिर किसान क्या करते हैं, किसान जो है ये जो क्रुद्ध भीड़ थी ने क्या किया, पुलिस वालों को दौड़ा लिया और थाने में वो लोग जाके छुप गए, और थाने में जो है उन लोगों ने क्या किया, आग लगा दी, पूरा थाना ही फूंक दिया आग। क्लियर हुआ, क्रुद्ध भीड़ ने क्या किया, अंत में सिपाहियों को घेर के थाने में ही आग लगा दी। अब इसमें जो है दोस्तों क्या हुआ, 23 सिपाही जल के मर गए, 23 सिपाहियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मतलब निर्मम घटना थी। अब ये बात अलग है कि अंग्रेज भी जो है यही काम कर रहे थे भारतीयों के साथ, लेकिन यहाँ पर किसानों ने नहले पे दहला मार दिया। उन्होंने क्या किया कि जो है जिंदा थाने में बंद सिपाहियों को जिंदा फूंक दिया, थाने में बंद नहीं, थाने में छुपे हुए सिपाहियों को जिंदा फूंक दिया, जिसमें 23 सैनिक जल के मर गए। अब ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। अब इसके बाद हुआ क्या, इससे जो है महात्मा गांधी क्षुब्ध हो गए। महात्मा गांधी जी इस घटना से क्षुब्ध हो गए। अब आपको पता है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जो रास्ता था वो सत्याग्रह का था, सत्य अहिंसा का था, अहिंसक मार्ग पे वो बल देते थे, तो जाहिर सी बात है इस घटना को वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है, चौरा चौरी को आप विशेष याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 की घटना है और किसानों ने थाने में आग लगा दी, 23 सिपाही जिंदा जल के मर गए। ये पृष्ठभूमि है असहयोग आंदोलन की, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, बहुत बड़ा कदम उठा लिया, आंदोलन को क्या कर दिया, वापस ले लिया। अब सोचिए अंग्रेजों को कुछ नहीं करना पड़ा, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, रोक दिया आंदोलन को, ठीक है। अब आंदोलन को जब वापस ले लिया तो अब क्या हुआ, बहुत विरोध हुआ। अब ये लिया कब गया, इसको याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922, 4 फरवरी को ये होता है घटना और 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। और ये कहां, बारदोली में कांग्रेस की बैठक होती है, उसी में 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। क्लियर हुआ, ये भी तिथि याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920 जैसे आपको याद है वैसे 12 फरवरी 1922 को याद रखिएगा, ठीक है। 1 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्या हुआ, इस घटना के समय गुजरात के बारदोली में वो मतलब गांधी जी क्या कर रहे थे उस समय, ये बारदोली कहाँ है दोस्तों, ये है गुजरात प्रांत में, ठीक है, कहाँ है, गुजरात प्रांत में।
तो यहाँ ये क्या कर रहे थे महात्मा गांधी जी? सामूहिक सत्याग्रह कर रहे थे। सामूहिक सत्याग्रह के द्वारा क्या कर रहे थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, एक दूसरा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे, जो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब देखिए दूसरे आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। क्लियर हुआ? ठीक। तो अब जो है क्या हुआ कि मतलब कांग्रेस की बारदोली की जो बैठक है, इसमें तय हुआ कि अब ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने तय किया कि अब ऐसा कोई काम हम लोग नहीं करेंगे जिससे कानून का उल्लंघन होता है, कानून के उल्लंघन का हम कोई काम नहीं करेंगे। इस बैठक में ये तय हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे क्या होता है घटनाक्रम। अब इसी अधिवेशन में, चूंकि बारदोली के कांग्रेस अधिवेशन में वापस किया गया, अब इसी आंदोलन में वापस करने के कारण इस आंदोलन को वापस लेने के प्रस्ताव को गांधी जी ने रखा। अब इसके खिलाफ क्या हुआ दोस्तों? डॉक्टर मुंजे, महत्वपूर्ण है, डॉक्टर मुंजे के द्वारा क्या हुआ गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। तो ये पूछा गया है प्रश्न कि मतलब जिस अधिवेशन में, जिस बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया 12 फरवरी 1922 को बारदोली गुजरात में, ठीक है, तो किसके द्वारा उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था? तो वो कौन था? डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब दोस्तों इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी योगदान महत्वपूर्ण है, उनके विचारधारा महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ये विरोध प्रदर्शन के विपरीत इनका विचार गांधी जी से थोड़ा सा अलग था। ये कहते थे कि ये जो आप लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, असहयोग की बात करते हैं, इससे बेहतर है कि आप कुछ रचनात्मक कार्य करें, कुछ क्रिएटिव काम करें, बशर्ते कि आप विरोध प्रदर्शन करें। ठीक है, ये रचनात्मकता को ज्यादा महत्व देते थे विरोध प्रदर्शन की तुलना में। विरोध प्रदर्शन की तुलना में रचनात्मकता को महत्व, रचनात्मकता मतलब भारतीयों में जागरूकता फैलाई जाए, छोटे छोटे रोजगार के साधनों का विकास किया जाए, उनके भीतर जन चेतना, उनकी शिक्षा और इन चीजों के लिए प्रयास किया जाए, ये सारी बातें रचनात्मक रूप से थी। ठीक है, तो खादी जैसे बाद में आपने देखा खादी और चरखों का उपयोग होना शुरू हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उन रचनात्मकता की ये बात करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर कि विरोध प्रदर्शन से बेहतर है कि आप रचनात्मकता को जो है महत्व दीजिए। क्लियर हुआ, तो ये इनका अप्रोच महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। ठीक है, अब ये कहते थे कि आप जो है क्या करते हैं, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के खिलाफ थे, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के कटु के प्रखर विरोधी। मतलब इनको जो है, इनका जो अप्रोच था वो का बहुत नेगेटिव था कि विदेशी वस्त्रों की होली भी जला के आप संसाधनों की बर्बादी कर रहे हैं, बनिस्बत इसके को किसका है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है मैटर नहीं करता। तो ये चाहते थे कि केवल रचनात्मक कार्य किए जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं असहयोग आंदोलन में। आगे और क्या आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों? इसको इन्होंने निष्ठुर, ये प्रश्न सीधे पूछा है, इसको जो है अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा है। ये जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का कार्य है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है?
निष्ठुर, बर्बादी या अविवेकी कार्य। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, बड़ी पर्सनालिटी है दोस्तों, तो इनके स्टेटमेंट से भी सवाल पूछा है, आपको याद रखना चाहिए कि इनका क्या मत था। तो निष्ठुर, बर्बादी या अविवेकी कार्य की संज्ञा दी इन्होंने वस्त्रों की होली जलाने को, जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का आह्वान था इस आंदोलन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन से जुड़े कुछ और बातों को देख के ये टॉपिक खत्म करते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के ही दौरान कब कब हुआ, मतलब क्या इसका काल रहा, असहयोग आंदोलन इसका समय क्या रहा दोस्तों, 1920 से 1922, 1920 से 1922 का इसका जो समय रहा, इस दौरान क्या क्या हुआ। काशी 1921 में क्या हुआ, सबसे पहले 1921 में क्या हुआ, बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, ठीक है। बनारस में क्या हुआ दोस्तों, बनारस में काशी विश्व काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, ठीक है, क्लियर हुआ 1921 में। इसके बाद और क्या हुआ, 1920 में, 1920 में क्या हुआ, अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की, अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना, ठीक है, अहमदाबाद में क्या हुआ दोस्तों, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जामिया 1920 में ही क्या हुआ, 1920 में ही दोस्तों अलीगढ़ में जामिया, 1920 में ही अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया, यह नाम चर्चित है दोस्तों इस साल, क्योंकि यहां से एक स्टूडेंट यूपीएससी का फर्स्ट टॉपर बना है, श्रुति शर्मा, ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, ये कब स्थापित हुआ, 1920 में, क्लियर हुआ। आगे ये बाद में क्या हुआ, दिल्ली ले जाया गया, ठीक है, बाद में कहां ले गया, दिल्ली, बाद में दिल्ली ले जाया गया, ठीक है, बाद में दिल्ली ले जाया गया। अब आगे आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय 1916, 1916 में क्या होता है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, क्लियर हुआ। चलिए अब ये फिर वहां पर कुलपति मदन मोहन मालवीय जो है वहां पर कुलपति भी रहे 1919 से 1938 तक जो है ये वहां पर कुलपति भी बने रहे, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बातें, ठीक है, ये सारी बातें हैं महत्वपूर्ण, जहां से प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, आपने अच्छे से इसको समझ लिया, काफी महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों कि भारतीयों में इसने एक जन चेतना का संचार किया, उनको ये कॉन्फिडेंस पैदा किया कि नहीं, हम अंग्रेजों को हरा सकते हैं, भगा सकते हैं। और इस आंदोलन में पहली बार बहुत विस्तृत रूप से
अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच जो जो है एकता स्थापित हुई, वैसा न पहले कभी देखा गया न बाद में। ठीक है, उनके बीच एक सौहार्द स्थापित हुआ। चलिए, यह हो गया हमारा दोस्तों असहयोग आंदोलन। अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसके बाद हम एक नया टॉपिक देखेंगे, स्वराज पार्टी के बारे में देखेंगे, किसका गठन होता है और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन देखेंगे हम लोग दोस्तों। आइए देखते हैं। अब देखिए, 1919 में आया कौन सा, भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम द्वारा स्थापित क्या किया गया, केंद्रीय विधानमंडल और क्या स्थापित किया गया, प्रांतीय विधानमंडल। एक तो केंद्रीय, दूसरा प्रांतीय विधान मंडल। केंद्रीय विधानमंडल स्थापित किया गया और प्रांतीय विधानमंडल स्थापित किया गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या हुआ, इस आधार पे इनका जो है, कांग्रेस ने, गांधी जी ने क्या कहा कि इनका जो है बहिष्कार करिए। ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा कि इसका बहिष्कार करिए। गांधी जी ने कांग्रेस से इसके बहिष्कार की बात कही, अब ये स्थापित क्यों हुए थे, चुनाव के लिए हुए थे, चुनाव कराए जाएं, तो गांधी जी ने क्या कहा कि इसका बहिष्कार करना है। और वर्ष 1920 के चुनाव में कांग्रेस क्या करती है, भाग नहीं लेती। कांग्रेस क्या करती है 1920 के चुनाव में, भाग नहीं लेती। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, देखिए जैसे एक जनस्फूर्ति पैदा हुई थी असहयोग आंदोलन के समय, वैसे ही निराशा भी आ गई देश में। कैसे, एक तो जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा, तो लोगों में एक दिशा का अभाव हो गया कि वो करें क्या। कई लोगों ने इस आधार पर इनकी आलोचना भी कि इन्होंने ऐसे समय जो है, जैसे लोहा गर्म होता है तो उस पर चोट करने की बजाय उसको ठंडे पानी में डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो है जन आंदोलन वापस हो गया और गांधी जी गिरफ्तार भी हो गए, तो सोचिए जन स्फूर्ति कहाँ से रहेगी। तो निराशा का माहौल हो गया था, एक पूरे देश में निराशा का माहौल था। ठीक है, अब निराशा के इस माहौल में दोस्तों क्या होता है, ठीक है, एक नई विचारधारा आती है इसी समय, स्वराज पार्टी की विचारधारा थी। आइए देखते हैं क्या हुआ, ये जो वैक्यूम क्रिएट हो गया इसमें फिर क्या होता है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दो नाम हैं, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, चित्रंजन दास, इन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जैसे हम अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं असहयोग के रूप में, या फिर हमसे हम सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं विरोध प्रदर्शनों के साथ, अगर हम लोग व्यवस्था में शामिल हों, अगर हम चुनाव के माध्यम से व्यवस्था में शामिल हों, तो कहीं ना कहीं हम अंदर से जो लड़ाई लड़ेंगे वो भी काफ़ी प्रभावी होगी। मतलब ये चाहते थे कि व्यवस्था का अंग बन के लड़ाई लड़ी जाए, यही नई विचारधारा रखी किसने, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने। ठीक है, इन लोगों ने ये नई विचारधारा रखी, क्या रखी कि जो है क्या हुआ कि विधान मंडलों के भीतर प्रवेश किया जाए, विधान मंडलों के भीतर
प्रवेश करके क्या किया जाए, लड़ी जाए। इन्होंने कहा कि विधानमंडलों के अंदर प्रवेश किया जाए और प्रवेश करके लड़ाई लड़ी जाए। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो है 1923 में जो चुनाव होगा के चुनाव को जो है लड़ा जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। 1923 के चुनाव के माध्यम से ये काम किया जाए। ठीक है, इनका टारगेट क्या था, 1923 के चुनाव, 1923 में जो इलेक्शन था उसी के माध्यम से विधानमंडलों में पहुंच के ये अपनी लड़ाई लड़ना चाहते थे। ठीक है, चलिए क्रम से समझते चलिएगा। लेकिन ये बात तो इन्होंने कह दी कि 1923 के चुनाव में लड़ा जाए, और ये सोच हमारी है कि हम व्यवस्था का हिस्सा बन के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ें। लेकिन ध्यान दीजिए, यही एक घटनाक्रम होता है, 1922 में होता है गया अधिवेशन, कांग्रेस के गया अधिवेशन। कांग्रेस के गया अधिवेशन में क्या होता है, बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकृत कर दिया गया। क्लियर हुआ, इस योजना को क्या किया गया, अस्वीकृत कर दिया गया, मतलब ये योजना काम की नहीं। कांग्रेस ने गया के अधिवेशन में 1922 में इस बात को खारिज कर दिया। ठीक, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर क्या होता है, जब ये खारिज हो गया तब क्या हुआ, कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे सी आर दास। ठीक है, सी आर दास ने क्या किया, कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस की अध्यक्षता से क्या किया, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कि क्या मतलब है, ऐसी पार्टी का अध्यक्ष बने रहना जहां हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। और इस समय ये क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब इन्होंने त्याग पत्र दिया था। ये क्या थे, कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे। सी आर दास रिजाइन कर देते हैं दोस्तों, और मार्च 1923 में सी आर दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन कौन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मार्च 1923 में करते हैं स्थापना किस चीज की, स्वराज पार्टी की। क्लियर हो गया। अब इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य स्पष्ट है दोस्तों, चुनाव के माध्यम से काउंसिल में प्रवेश करना है और उन्हें काम न करने देकर जो है क्या करना है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसका विरोध करना है। लेकिन कैसे विरोध करना है, जब ये चुन के जो है विधानमंडल में काउंसिल में जाएंगे तो उसके आधार पर काम नहीं करने देंगे, सिस्टम में रह के अंग्रेजों को काम नहीं करने देंगे, ये इनकी रणनीति थी। ठीक है, क्लियर हुआ। 1919 का ये विरोध करेंगे लेकिन अंदर रह के करेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव, अध्यक्ष कौन थे स्वराज पार्टी के और महासचिव कौन थे, तो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन, अध्यक्ष थे खुद जो है
सी आर दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। एक लोग अध्यक्ष बन गए, एक लोग महासचिव बन गए, ठीक है, क्लियर हो गया। कौन कौन थे इसमें और सदस्य कोई था? चलिए, एक श्रीनिवास अयंगकर थे, श्री निवास अयंगकर। मिलान के सवालों में ये पूछ लेता है दोस्तों कि कौन इस जो है पार्टी से जुड़ा था, अयंगकर, श्रीनिवास अयंगकर, ये क्या थे? मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, मद्रास स्वराज पार्टी के, मद्रास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे श्रीनिवास अयंगकर। और एक लोग और एनसी केलकर, एक नाम और याद रखने की जरूरत है, एनसी केलकर, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए महत्वपूर्ण नाम है। स्वराज पार्टी से जुड़े नामों में श्रीनिवास अयंगकर को भी जान लीजिए, जो मद्रास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, और एनसी केलकर के बारे में जान लीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष थे जो है सी आर दास, ठीक है। अब हुआ क्या, वर्ष 1925 में, 1925, अब देखिए इनकी उपलब्धि देखिए, 1925 में क्या होता है, केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में कौन चुना जाता है? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल क्या होते हैं? चुने गए, ठीक है। 1925 में केंद्रीय विधानमंडल में विट्ठल भाई पटेल चुने गए, और ये क्या थी जो है, स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि। ये क्या थे? स्वराजी थे, तो स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि, ये स्वराजियों की अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी दोस्तों, ठीक है। और इसमें ये क्या चुने गए थे, केंद्रीय विधानमंडल में ये क्या चुने गए थे दोस्तों? सेंट्रल लेजिस्लेटिव, इसका इनको अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? अध्यक्ष चुना गया था, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। चितरंजन दास को, अच्छा चितरंजन दास को एक नाम से और जाना जाता था दोस्तों, देश बंधु। ये सवाल पूछा है देश बंधु का उपनाम किसे कहा जाता है, तो सी आर दास को, चितरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी बुलाया जाता था, ठीक है। इसको कहते हैं द फ्रेंड ऑफ नेशन, द फ्रेंड ऑफ नेशन, ठीक है। चलिए अब दोस्तों, चलिए ये हो गया सी आर दास के बारे में भी और स्वराज पार्टी के बारे में भी। 1922 को 16 दिसंबर, एक पार्टी की और बात कर लेते हैं, उसके स्थापना की बात बस कर लेते हैं, पर्याप्त है, ठीक है। 16 दिसंबर 1922, 16 दिसंबर 1922 इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है। इंडिपेंडेंट पार्टी जो है बनाने का निर्णय किसने लिया था? इसमें दो लोग शामिल थे, मदन मोहन मालवीय शामिल थे और मोतीलाल नेहरू शामिल थे। इंडिपेंडेंट पार्टी का प्लान किसका किसका था? मदन मोहन मालवीय का और मोतीलाल नेहरू का था। 1922 की बात है। हिंदू महासभा
हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्यों में कौन था दोस्तों? हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य कौन थे? यही थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे। 1916 में आपने देखा कि इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। क्लियर हुआ? खिलाफत आंदोलन का इन्होंने क्या किया, विरोध भी किया। और दूसरी बात, कांग्रेस की जो है जो इन्वॉल्वमेंट थी या संलिप्तता थी उसका इन्होंने विरोध किया खिलाफत आंदोलन में। और ये 1916 में PHU के स्थापना के लिए जाने जाते हैं। 1919 से 1938 तक ये जो है उसके कुलपति भी बने रहे। तो इसी के साथ स्वराज पार्टी भी हो गई। ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है आज दोस्तों। और आज इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। मॉडर्न हिस्ट्री की जो सबसे क्रीम चीज़ें हैं मैं वो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो है प्रश्नों के पूछे जाने का सेक्शन है, मतलब यहाँ से ज़रूर सवाल पूछा जाता है। जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है तो यहाँ से उठाए जाते हैं सवाल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।